जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है सिंध असेंबली की जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम कुर्सियाँ जो है वो तस्वीरें बनाने के लिए यहाँ रखी गई हैं और पूरा जो है यहाँ पे सेटिंग कर ली गई है। अगर आप देखें तो यहाँ पे असेंबली की बिल्डिंग के सामने, बिल्कुल मेन गेट के सामने जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे तमाम की तमाम कुर्सियाँ रख दी गई हैं। यहाँ जो है वो इस वक्त तमाम जो लीडरान हैं, जो जो MPs हैं वो बैठेंगे, साथ साथ स्पीकर बैठेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे, लीडर ऑफ हाउस बैठेंगे, वजीर सिंध भी बैठेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो पार्लियामानी लीडर्स जितने भी होंगे वो यहाँ पे आगे बैठेंगे, तमाम MPs जो है यहाँ पीछे बैठेंगे। इस 5 साला दौर में अगर बात करें तो यहाँ कई बिल मंजूर किए गए, आज आखिरी दिन है। आज जो है वो किसी भी वक्त वजीर सिंध जो है वो असेंबली तहलील होने के समरी जो गवर्नर सिंध को भेज सकते हैं, आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो काबीना के इजलास हाउस में जारी है, लेकिन आज आखिरी काबीना का भी इजलास होगा, साथ साथ सिंध असेंबली का भी आखिरी इजलास होगा, फोटो सेशन होगा, जिसके बाद जो है वो वजीर सिंध जो है वो अपने मुशीर कानून के साथ जो है मुशावरत के बाद आज समरी गवर्नर हाउस भेजेंगे। समरी के हवाले से अगर बात करें तो ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि समरी जो है तहलील असेंबली की तैयार कर ली गई है, आज जो है वो किसी भी वक्त जो है गवर्नर हाउस समरी भेजी जा सकती है। आज आखिरी सेशन के साथ साथ जहाँ पे उसके बाद जो है तस्वीर के बाद यहाँ पे स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से जोराना दिया गया है, उस जोराने में तमाम MPs मौजूद होंगे। इस वक्त अगर बात करें तो सिर्फ PTI के MPs यहाँ पे जो है इम्कान है कि वो नहीं आएंगे, लेकिन तमाम जो दीगर जमातों के GDA के और MQM के और पीपल्स पार्टी के तमाम मेम्बरान इस फोटो सेशन में मौजूद होंगे, और साथ साथ जहाँ पे तमाम MPs का ये कहना है कि आज आखिरी इजलास है, जिसकी वजह से हाज़री जो है वो यकीनी बनाएंगे, लेकिन 2 से 3 MPs जो है वो MQM और GDA के इस वक्त जो है मुल्क में नहीं होने के बायस जो है वो शिरकत नहीं कर सकेंगे इस फोटो सेशन में, लेकिन जो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है बाकी जितने भी MPs होंगे तीनों जमातों के वो आज इस फोटो सेशन में होंगे और आखिरी इजलास के स्पीकर के साथ यहाँ पर तस्वीर जो है असेंबली के सामने निकाली जाएगी।